नमस्कार दोस्तों। हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस एडसेंस मोनिटराइजेशन। हम यूट्यूब अकाउंट में एडसेंस को कैसे लिंक करेंगे और कैसे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे देखते हैं। ये आपको यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन है यूट्यूब youtube.com/sign-in, तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब खुल जाएगा। जैसे ही यूट्यूब खुलेगा वैसे ही ऑटोमेटिक वेब में पेज चालू हो जाएगा। अगर नहीं चालू होगा तो आपसे ब्राउजर से एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर उसको क्लिक कर देना आप और वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जब पेज खुलने के बाद देखना है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे जहाँ पे एच लिखा हुआ है जी, आपको पास से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। जब आपके डिस्प्ले में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे देखो क्रिएटर स्टूडियो लिखा है, यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में आपको टच करना है। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो में टच करते हो नया पेज खुलेगा। हाँ ये देखो खुल गया, ये देखो ये सारा कुछ इसमें बता रहा है, ये अकाउंट का नाम। फिर आपको यहाँ आना है चैनल पे, ये देखिए यहाँ पे चैनल लिखा हुआ है, इस चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। फिर देखिए ऐसा पेज खुलेगा। ये हमारा हमने वेरिफिकेशन इसका कर दिया है इसलिए ऐसा है, तो आपको बता रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे देखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रीकरण, इस मुद्रीकरण पे आपको क्लिक करना है। जी ये देखिए क्लिक हो गया, नया पेज आ गया हमारे सामने। हाँ तो अभी हमारे सामने ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं, यूट्यूब सहयोगी कार्यक्रम की शर्तें स्वीकार की गई, एडसेंस ने अनुरोध किया, मुद्रीकरण प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं, मतलब इसमें सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इसमें दूसरे में आपका नाम डालना है, इसमें आपका पूरा एड्रेस डालना है, पिन कोड पास्ट कोड सब कुछ डालना है इसमें आपको। उसके बाद इसको भी इसमें कुछ शर्तें रहेंगी, वो शर्तों में मतलब क्लिक करना है, वहाँ पे मार्किंग बनी रहेगी, आपको मार्किंग में टच कर देना है, वहाँ पे सही का निशान लग जाएगा तो आप समझ जाएँ कि वो कम्प्लीट हो गया। वो सभी मार्किंग करना पड़ेगा आपको, वो मार्किंग आप करके आगे आ जाएँ। फिर यहाँ पे मुद्रीकरण प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे देखें और आपको दिखा रहे हैं। ये ऑप्शन में भी तीन चार आपको क्लिक करने के ऑप्शन देगा, जो YouTube की शर्तें हैं, एडसेंस की शर्तें हैं, ज्वाइन करने की, दोनों को कनेक्ट करने की शर्तें हैं, तो वो शर्तें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो शर्तें एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये एडसेंस अकाउंट ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। इसमें लिंक करना पड़ता है, जो उसमें लिंक डालना पड़ता है, लिंक वो लिंक ना ऑटोमेटिक आपको डालना नहीं है। जैसे ही आप इसी आईडी से चालू कर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिक ही आपके सामने आ जाएगा, आपको उसमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ आपका नाम डालना है, फिर नीचे एड्रेस पूरा डालना है, एड्रेस के बाद इसमें कुछ चिन्ह आएंगे, वो चिन्ह में सही का निशान लगाना है, निशान करके सबको स्टार्ट 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 करके आना है तीनों। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाएगी, ये पिछले 12 महीने में 1000 वॉच घंटे और 1000 ग्राहक तक पहुँचने के बाद समीक्षा करें। मतलब आपका जब ये सब कंप्लीट होगा ना, तभी आपका मोनिटराइजेशन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और बड़ी शर्त आएगी, पिछले 12 महीने में घंटे देखें, मतलब 4000 घंटे 12 महीने में आपको कम से कम व्यू टाइम होना चाहिए 4000 घंटे, और 1000 आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये सब